मी डॉक्टर कादरी, मी कादरी हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे. आमच्या कादरी हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारचे ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन होतात. आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है. सोलापुर शहर एमआईएम पार्टी के युवक अध्यक्ष मोहसिन मैंदरगी पर एमआईएम के 2019 विधानसभा के प्रत्याशी अमित कुमार संजय अजनाड़कर ने जोड़वाईपेट पुलिस थाने में राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने के कथित आरोप में शिकायत दर्ज करवाई थी. इस बात को लेकर एमआईएम पार्टी के पदाधिकारी व माजी नगर सेवकों ने मिलकर पुलिस आयुक्त को निवेदन दिया है कि पुरानी बात का गुस्सा या फिर राजनीतिक षड्यंत्र रचने के लिए अमित कुमार अजनाड़कर ने झूठी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है. ऐसा आरोप एमआईएम कर रही है. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोलापुर शहर जिल्हा अध्यक्ष हाजी फारूक शाकी यांच्या आदेशावरून आज आम्ही सर्व पदाधिकारी नगर सेवक पोलीस कमिशनर साहेब यांना भेटण्यासाठी आलो. या भेटून निवेदन दिलं. निवेदन देण्याचं कारण असं होतं, गेल्या 2 दिवसाखाली सोलापूर शहर एमआयएम पक्षाचे युवक अध्यक्ष मोहसिन मैंदरगी यांच्यावर काही मातेफिरू लोकांनी नाहक एक चांगलं काम करत असलेल्या कार्यकर्त्याला नाहक अडकवण्याचा प्रयत्न आणि एमआयएम पक्षाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न काही मातेफिरू मागचे या पक्षाचे काही लोकांनी करत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मोहसिन मैंदरगी यांनी 2 दिवसाखाली इस्रायलच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं. त्या आंदोलनात त्यांनी आपल्या देशाचा राष्ट्रीय ध्वज हातात घेऊन घोषणा देत होते. त्या लोकांना असं वाटलं की त्यांनी ध्वजाचा अपमान केलेला आहे. थोडं लक्ष देऊन ते व्हिडिओ पाहिलं तर दिसून येईल की त्यांनी ध्वजाचा अपमान केलेला नाही आहे. ते अपमान त्यांनी त्या गाडीला लावलं होतं आणि त्या गाडीच्या वरती त्यांनी चढलेलं होतं. तर काय मातीफिरू लोकांनी ते अडचणीत मोहसिन मैंदरगी यांना अडचणीत आणण्यासाठी व जे त्यांनी आज शहरात एमआयएम पक्षाचं कार्य करत आहे ते त्यांना बघू वाटेना. तर त्यांनी ना हा त्यांच्यावर एक गुन्हा दाखल खोटा गुन्हा दाखल केलेला आहे. तर त्यानिमित्तानं आम्ही पोलीस कमिशनर साहेबांना एक आज निवेदन दिलं की आपण साहेब सर्व जाती धर्मानं घेऊन चालणारे पोलीस कमिशनर आहात साहेब आहात तुम्ही. तर आमची एक आशा आहे तुम्ही आम्हाला न्याय देचाल. मोहसिन मैंदरगी यांचं सखोल चौकशी करून ना हा गुन्हा जे खोटा गुन्हा दाखल झालेला आहे ते गुन्हा कॅन्सल करावं आणि ह्याच्यापुढं एमआयएम पक्षाच्या कुठल्याही पदाधिकारी नगरसेवकावर किंवा कार्यकर्त्यावर ना हा खोटे गुन्हे दाखल होऊ नये. जेणेकरून मग असं जर झालं तर सर्व लोक समाजकार्य करायचं सोडून देतील, एक दुसऱ्याला मदत करायचं सोडून देतील आणि देशाचं प्रेम जे करून मोहसिन मैंदरगी यांनी जर ते झेंडा हातात घेऊन भारत माता की जय भारत माता की जय असे घोषणा देत होते ते त्या लोकांना दिसलं नाही आहे. ते त्या बाकीच्या जे जातीवादी लोक आहेत जे मातेफिरू लोक आहेत त्यांना त्याचं देशप्रेम दिसलं नाही आहे. नाहक वैयक्तिक रोष मनात ठेवून असं ना कुणालाही त्रास देऊ नये असं आम्ही पोलीस कमिशनर साहेबांना एमआयएम पक्षाकडनं व फारूक शाब्दी साहेबाकडनं आम्ही विनंती केलेली आहे. साहेबांनी झोन साहेबांना एक आदेश दिलेला आहे याची सखोल चौकशी करावी अशी साहेबांनी आदेश दिलेले आहेत. आम्ही कमिशनर साहेबांचे धन्यवाद मानतो. पहिली बात तो हम सब जनता का तहजील से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे एक युवक अध्यक्ष जो काम के लिए उनको हम मुबारकबाद देते हैं. आज जो इज़राइल जो फलस्तीन के ऊपर एक दहशतवादी बनकर जो हल्ला कर रहा, नन्हे नन्हे बच्चों को काटे जा रहा, मारे जा रहा, औरतों की बेउब्दी की जा रही है, उनकी इज्जत लूटे, उनकी इज्जत के साथ खेलो जा रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो कुछ लोग तेल निर्माण का काम कर रहे और हमारे जो मोहसिन मैंदरगी जो है दोनों एक अच्छा काम करे जो इज़राइल का विरोध करे और प्लस क्या हुआ मालूम है उसके बाद में जो लोग इज़राइल का जो झंडा था ना जमीन पर डाल के उसके ऊपर बुलडोजर चले क्यों उसका बहिष्कार करे उन्होंने तो ये कुछ लोगों को देखे नहीं गया. क्यों बोले तो उनके ऊपर डिपार्टमेंट तावड़ तो गुन्हे दाखिल करी थी लेकिन मोहसिन मैंदर के ऊपर 24 घंटे में अंदर कौन सा गुनाह दाखिल नहीं हुआ था. इसलिए वो लोग
जानबूझ को जल कर, तो ये इसको कैसा ये करना, एमआईएम पार्टी के लोगों को कैसी तकलीफ देना बोलकर ये उन्होंने काम करे ले। लेकिन हम हमारे पीछे अल्लाह के करम जी फारूक भाई शाब्दी है और हमारी पूरी एमआईएम की टीम है। अगर जब इन्हों ऐसा करते रहेंगे तो हम भी चुपटने वाले नहीं, हम रस्ते पर उतरेंगे इनके खिलाफ। और हम सीपी साहब को भी हम मिले, सीपी साहब भी हमारे को अच्छा आश्वासन दिए कि इसकी चौकसी करेंगे हम, इसके ऊपर अगर खोटा रहेगा तो इसके ऊपर गुनाह नहीं दाखिल करेंगे, ऐसा बोले ले। और एक गलत बात, और हमारे जो दलित भाई थे अभी जो हमारे थोड़ी देर पहले मिले, तो आज का जो मोर्चा था 27 का जो कैंसल हुआ, वन भी डिपार्टमेंट का हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे को दुआ के वास्ते परमिशन दी। तो हम सीपी साहब को और एक निवेदन दिए ले कि हमारे को के मुख मोर्चे का एक परमिशन दो, दलित पेंथर हम मिलकर एक ताकत बनाकर जो कलेक्टर गेट के सामने सोमवार के दिन इंशाल्लाह अगर सीपी साहब हमारे को परमिशन देते रहेंगे तो सोमवार के दिन हम वहाँ मुख्य मोर्चा लेंगे। हमारे जो जो हमारे मसले मसाइल हम वहाँ पर मानेंगे। क्यों बोले तो आज जो फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा, जुल्म अल्लाह को भी बर्दाश्त नहीं है, अल्लाह जुल्म को भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उस नन्हे नन्हे बच्चों के ऊपर हम जो उनके ऊपर कत्लेआम हो रहा है, नाहक उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। हालांकि वो फलस्तीन वालों की ज़मीन है लेकिन इसराइल वहाँ पर कब्जा करके अंदर घुसपैठ कर रहा है। तो पूरा देश मिलकर आज जो इसराइल का बायकॉट कर रहा है, तो हम पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं और हम फलस्तीन के बारे में हमेशा आवाज़ उठाएंगे क्यों वो हमारा अव्वल किबला है। और फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा बोल को हम आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ जुल्म होता अन्याय के खिलाफ लड़ना है, यह एमआईएम पार्टी का काम है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम जुल्म के खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और बढ़ चढ़ कर अगर नहीं होते रहेंगे तो हम रोड आंदोलन, रस्ते आंदोलन, ये हम काम करने वाले हैं। क्यों कि हमारी बात ऊपर तक जाना है।